रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दी नॉलेज स्कूल कायद कैंपस, सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास 10th, लेक्चर नंबर 7। क्लास 10th लेक्चर नंबर 7। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, होम्योस्टेसिस। तो पिछले 6 लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। टुडे वी डिस्कस अबाउट होम्योस्टेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज मीन्ड बाय होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस मे डिफाइंस एज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स। इट मीन्स के जब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशन मेंटेन करते हैं, इसके बावजूद के इंटरनल इन्वायरमेंट्स जो है वो मेंटेन करना है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितनी भी चेंजेस आ रही हों, आपने इंटरनल जो बॉडी का बैलेंस है उसको मेंटेन रखना है। होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बॉडी का जो इंटरनल स्टेट है उसको इक्विलिब्रियम करना। फॉर एग्जांपल मैं एक बार फिर डेफिनेशन बोलता हूँ, होम्योस्टेसिस मे डिफाइन एज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसकी एक और डेफिनेशन भी मैं बोलता हूँ बेटा, वो नोट कर लें ज़रा। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ड्यू टू हार्म फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। मीन्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपनी बॉडी का इंटरनल जो कंडीशन है उसको मेंटेन रखते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितनी मर्जी चेंजेस आ रही हों, तो इस कंडीशन को कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो फॉर एग्जाम्पल द कोर टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिमेन्स एट अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड डिस्पाइट फ्लक्चुएशन इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। सिमिलरली द ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन अबाउट 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। बॉडी सेल्स नीड द इंटरनल इन्वायरमेंट इन विच कंडीशन डू नॉट चेंज मच। मीन्स के ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है इन एवरी कंडीशन वी केप्ट इन 37 डिग्री सेंटीग्रेड्स। हर हालत में हमने ये जो टेम्परेचर है वो 37 जो है मेंटेन रखना है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो मर्जी चेंजेस आ रही हो, जितनी मर्जी इन्वायरमेंट जो है कोल्ड है या वार्म है, तो जब हम इस 37 को मेंटेन रखते हैं तो ये कंडीशन कहलाती है होम्योस्टेसिस। ये कंडीशन कहलाती है होम्योस्टेसिस। इसी तरह जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है ये भी 1 ग्राम पर लीटर है। तो ये थी दो एग्जांपल होम्योस्टेसिस की। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, व्हाट इज़ द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मे बी डिफाइन एज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल द कोर टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिमेन्स एट अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड डिस्पाइट फ्लक्चुएशन इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। फ्लक्चुएशन मीन्स के तब्दीलियाँ, चेंजेस जो आ रही हैं। तो ये थी होम्योस्टेसिस। अब नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है ओस्मो रेगुलेशन। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो नीचे वाले हमारे पास 3 जो डेफिनेशन है, ओस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, ये तीनों होम्योस्टेसिस के स्टेप हैं। होम्योस्टेसिस को करने के लिए ये तीनों प्रोसेस करना पड़ेंगे, ओस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ओस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज ओस्मो रेगुलेशन? इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द बॉडी फ्लूइड्स। फॉर एग्जाम्पल ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड्स। वी नो दैट द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड साल्ट इन बॉडी फ्लूइड्स एंड इनसाइड द सेल
control by process of diffusions and osmosis, which are essential for the function of the cell. तो diffusion और osmosis का आपको पता ही है. diffusion कहते हैं movements of the molecule from the higher concentration to the lower concentration. osmosis movement of the water molecules from higher concentration to the lower concentration. तो ये थी osmo regulation, maintenance of the amount of water and salt in the body fluids. body में water और salt की amount को maintain रखना, ये क्या कहलाता है? osmo regulation. नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्मो रेगुलेशन. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? थर्मो रेगुलेशन. द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन. द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन. द एंजाइम ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर. एनी चेंज इन बॉडी टेम्परेचर मे इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम. मीन्स के जब बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रूटीन से इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं. तो इस टेम्परेचर को मेंटेन रखने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? थर्मोरेगुलेशन. क्या कहलाता है? थर्मोरेगुलेशन. नेक्स्ट है जी एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस. इन दिस प्रोसेस metabolic waste are eliminated from body to the maintain the internal condition at equilibrium. तो ये तीन प्रोसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को होम्योस्टेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए करने पड़ते हैं. नंबर वन ऑस्मोरेगुलेशन, नंबर टू थर्मोरेगुलेशन, नंबर थ्री एक्सक्रीशन. दीज आर थ्री स्टेप ऑफ द होम्योस्टेसिस. अब हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है होम्योस्टेसिस टेक्स प्लेस इन द एनिमल एंड प्लांट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको बेटा ये दोबारा रीड कर देता हूँ. होम्योस्टेसिस मीन मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी कंडीशंस डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स. मीन्स के जब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का इंटरनल जो उनकी कंडीशन है जब वो मेंटेन रखते हैं चाहे इंटरनल इन्वायरमेंट जैसा भी हो तो इस प्रोसेस को कहते हैं होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस के नेक्स्ट जो है वो इस प्रोसेस को करने के लिए तीन स्टेप हैं हमारे पास, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. तो अब हम डिस्कस करते हैं होम्योस्टेसिस इन द प्लांट्स. प्लांट्स रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट चेंज एंड कीप देयर इंटरनल कंडीशन कॉन्स्टेंट. They apply the different mechanism for the homeostasis of the water and other chemical, oxygen, carbon dioxide, nitrogenous material. तो plant के अंदर जो homeostasis है सबसे पहले उसमें removal of extra carbon dioxide and oxygen. Plants में जो extra carbon dioxide और oxygen है वो किस तरह removal करते हैं plant इसको? तो ये है हमारे पास इन डे टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज इन द फोटोसिंथेसिस एंड हेंस इट इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट. एट नाइट इट इज सरप्लस बिकॉज देर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज रिमूव फ्रॉम द टिश्यू सेल्स बाय डिफ्यूजन इन लीव and young stem carbon dioxide escapes out through the stomata. Means के दिन के time carbon dioxide जो cellular respiration के दौरान produce हो रही होती है वो photosynthesis में इस्तेमाल कर ली जाती है, लेकिन रात के वक्त जो respiration के दौरान carbon dioxide produce होती है वो extra होती है. तो इस extra carbon dioxide को plants जो है वो remove कर देते हैं diffusion के process से. उसके बाद इन यंग रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रू द जनरल रूट सरफेस स्पेशली थ्रू द रूट्स हेयर्स. ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस इन द मेसोफिल सेल ओनली ड्यूरिंग डे टाइम एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन इन सेलुलर रेस्पिरेशन द लीफ सेल रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द स्टोमेटा. मीन्स के दिन के वक्त जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है
वो प्लांट्स को जो चाहिए होती है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन है वो स्टोमेटा के ज़रिए बाहर निकाल दी जाती है। नेक्स्ट है जी रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। वी नो दैट प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉयल एंड इट आल्सो प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स फॉर टर्जिडिटी। एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव फ्रॉम द प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपायरेशन। तो सबसे पहले जी हमने डिस्कस किया कि एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किस तरह रिमूव करते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्लांट कैसे एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले प्लांट्स को जो वाटर चाहिए वो सॉइल से लेते हैं और इस एंड आल्सो प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके अलावा जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तब भी वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। प्लांट्स जो है इस वाटर को जो है वो सेल में स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से सेल जो है वो टर्जड हो जाते हैं। उसके बाद है जी एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव फ्रॉम द प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपायरेशन एट नाइट। ट्रांसपायरेशन यूजली डज नॉट अकर बिकॉज मोस्ट प्लांट हैव देयर स्टोमेटा क्लोज। इफ देर इज अ हाई वाटर कॉन्टैक्ट इन द सॉयल वाटर एंटर द रूट्स एंड इज अकमुलेटेड इन द जाइलम वेसल्स। सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस फोर्स दिस वाटर थ्रू स्पेशल पोर्स प्रेजेंट एट द लीफ टिप्स आर एजिस एज एंड फॉर्म ड्रॉप्स। द अपेयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ द वाटर ऑन द टिप्स आर एज ऑफ द लीफ इज कॉल्ड गुटेशन। तो ये डेफिनेशन बेटा कोड कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब प्लांट्स एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करते हैं तो ये ड्रॉप्स की सूरत में पत्तों के किनारों पर आ जाता है। तो जब वाटर इस तरह ड्रॉप्स की सूरत में किनारों पर आता है लीव्स की टिप्स पर या एड्स पर, तो इस प्रोसेस को कहते हैं गुटेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं गुटेशन। लास्ट वन है जी रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। प्लांट्स डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडी एज हार्मलेस इनसॉल्युबल मटीरियल। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्सेलेट इज डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन द लीव्स एंड स्टेम ऑफ द मैनी प्लांट्स। इन द ट्री विच शेड देयर लीव्स ईयरली द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम बॉडी ड्यूरिंग द लीव फॉल। मीन्स के कुछ प्लांट्स जो है अपना जो वेस्ट मटेरियल होता है या जो दूसरे नाइट्रोजनियस मटेरियल जो उन्होंने रिमूव करने हैं वो लीव्स में स्टोर कर लेते हैं, और जब वो लीव शेड करते हैं मीन्स के पत्ते गिराते हैं तो वो पत्ते गिरने के साथ उनकी इस जो वेस्ट मटेरियल है उससे भी जान छूट जाती है। अदर वेस्ट मटेरियल डेट आर रिमूव बाय सम प्लांट्स आर रेजन्स बाई कॉनिफर ट्री, गम्स बाय किकर, लेटेक्स बाय रबर प्लांट्स एंड म्यूसिलेज बाय कार्निवोरियस प्लांट्स एंड लेडी फिंगर। तो बेटा ये लास्ट टू लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से, मैं दोबारा ये रिपीट करता हूँ। अदर वेस्ट मटीरियल डेट आर रिमूव बाय सम प्लांट्स आर रेजन्स, रेजन्स बाय कॉनिफर ट्री, गम्स बाय किकर, लेटेक्स बाय रबर प्लांट्स एंड म्यूसिलेज बाय कार्निवोरियस प्लांट्स एंड लेडी फिंगर्स। ये था लेक्चर नंबर 7।